स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5 नंबर सिस्टम चैप्टर 1 क्लास 9th. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्कल. मान लीजिए हमारे पास कोई एक सर्कल है एंड इट्स सर्कमफ्रेंस दिस इज सी. टोटल लेंथ ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस बाउंड्री सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल टू इट्स डायमीटर. ये हमारा डायमीटर होता है से डी. दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी. दिस लेंथ डिवाइडेड बाई डायमीटर. चाहे वो स्मॉल सर्कल हो चाहे बिग सर्कल हो, इट इज ऑलवेज सी अपॉन डी. दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल. पाई को हम क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं, इरेशनल. बट ये तो हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो इट मीन्स ये हमारे पास रैशनल होना चाहिए. नो, देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन. वाई देर इज नो कॉन्ट्राडिक्शन? बिकॉज वेन वी मेजर द लेंथ ऑफ मेजरमेंट और डायमीटर बाई अ स्केल, वी मेजर द अप्रोक्सीमेट वैल्यू. जब भी हम किसी स्केल से किसी को मेजर करते हैं तो वो हमें क्या देता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है. दिस इज ऑल्सो अप्रोक्सीमेट. पाई पाई इज इक्वल टू 22/7. दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू. ऑलवेज जब भी हम इनको मेजर करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा. सो दैट्स वाई हमें पता नहीं चलता कि सी हमारा इरेशनल है, डी हमारा इरेशनल है, कहाँ तक जा रहा है. सो इसी वजह से यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है. पाई को हमेशा क्या माना जाता है? इरेशनल. पाई इज ऑलवेज इरेशनल. ठीक है, इजी था. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन. रैशनल नंबर हम पहले भी कर चुके हैं, बट वहाँ पे √2, √3, √4, √5, √6 वो वैल्यू हमने रिप्रेजेंट की थी. √9.3 को रिप्रेजेंट कैसे करना है? ध्यान दीजिए, हमने क्या करना है? पहले 9.3 जितनी भी वैल्यू है वो ड्रा कर लेनी है. लेट दिस इज 9.3. लेट दिस इज ए बी. 9.3 स्केल से आपने 9.3 यूनिट्स यहाँ पर ड्रा कर लेनी है. अगेन क्या करना है आपने? थोड़ा सा इसको छोटा ले लेता हूँ मैं. 9.3, उसके बाद 1 यूनिट एक्स्ट्रा और ले लीजिए. 1, दिस इज 1 यूनिट. 9.3 एंड 1 यूनिट. उसके बाद आपने क्या करना है? ए सी का हाफ करना है. हाफ ऑफ ए सी. लेट दिस इज ओ. ओ जो है वो हाफ है किसका? ए सी का. हाफ लाइन ड्रॉ कर लेनी है आपने यहाँ से, ऐसे हाफ हाफ किया. अब ओ को ओरिजिन लेके यहाँ तक आर्क लेके आपने सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, ये सेमी सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करना है. मींस 90° का एंगल. बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये कहीं ना कहीं पे जाके इंटरसेक्ट करेगा. लेट दिस इज डी एंड दिस ओ डी को आप ज्वाइन करेंगे. दिस इज √9.3. ये वैल्यू जो होगी वो √9.3 के इक्वल होगी. बट ये नंबर लाइन पे तो नहीं आई, हम इसको आगे बढ़ा देते हैं और अब बी के ऊपर कंपास रखेंगे, यहाँ तक ओपन करेंगे और इसको यहाँ पे ऐसे आर्क लगा के दिस विल बी √9.3. 1, 2, 3 मीन्स ये 3.1 के करीब जो भी आएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू यहाँ पे. दिस इज अवर √9.3 हो गया. बहुत ही आसान सा तरीका था. बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता कि सर ये कैसे कर दिया. अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं लेट दिस इज ए बी. ए बी हमने क्या लिया? एक्स लिया. मैंने 9.3 लिया है तो उसको मैंने क्या मान लिया? एक्स. नाउ
वन यूनिट, बी सी जो है ये वन यूनिट हो गया, ठीक है। अब हमने इसका हाफ किया, हाफ, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। सो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी रेडियस, अगर मेरा ओ है तो यहाँ पे रेडियस जो बना दैट इज एक्स प्लस वन, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक x था और प्लस वन ये हो गया, तो x प्लस वन अपॉन टू हो जाएगा रेडियस ऑफ दिस सेमी सर्कल। अब हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था और ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा था, लेट्स सपोज दिस इज d। मैं अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से ये OD की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, बट OD की वैल्यू तब पता चलेगी जब हम BD रूट 9.3 हमारे पास BD होगा, गलती से बता दिया था मैंने, ये रूट 9.3 हमारा जो होगा वो BD होगा। सो BD की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये हमारा क्या हो गया, ये मेरा रेडियस है, ये सेंटर है, ये रेडियस है, तो रेडियस जो हुआ, रेडियस मेरा कितना हो गया, x प्लस वन अपॉन टू हो गया। ये वैल्यू कितनी होगी, देखिए ये टोटल मेरी है x, ये वैल्यू मेरी x है। अगर मैं इसमें से रेडियस निकाल दूं तो ये वैल्यू बचेगी, मीन्स ओ बी, जो ओ बी होगा वो मेरा क्या होगा, x माइनस एक्स प्लस वन अपॉन टू। इस x में से ये वैल्यू घटा दी मैंने, माइनस कर दी, x प्लस वन अपॉन टू, सॉल्व करूंगा मैं, दिस इज 2x माइनस x एंड माइनस माइनस वन हो जाएगा, 2x माइनस x, x माइनस वन अपॉन टू, तो दैट मीन्स ओ बी की वैल्यू, ओ बी इज x माइनस वन अपॉन टू, एंड ओ डी वैल्यू मेरी x प्लस वन अपॉन टू रेडियस है। अब बी डी स्क्वेयर जो बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हुआ, ओ बी स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर, बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वेयर, दैट इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेयर। दैट मीन्स बी डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वेयर माइनस ओ बी स्क्वेयर, ये इधर जाके माइनस हो गया। नाउ व्हाट इज ओ डी, ओ डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, एक्स प्लस वन अपॉन टू का स्क्वेयर, एक्स प्लस वन अपॉन टू का स्क्वेयर माइनस ओ बी, दैट इज x माइनस वन अपॉन टू का स्क्वेयर, क्या हो गया, ऊपर वैल्यू एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस का 2x डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे माइनस a माइनस बी का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 4, इनका आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन प्लस का 2x माइनस, इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस का वन माइनस माइनस प्लस का 2x, एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स स्क्वेयर माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का वन प्लस का वन कैंसिल हो गया, 2x प्लस 2x 4x हो गया डिवाइडेड बाई 4 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास जो बी डी स्क्वेयर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई, x ही बचा हमारे यहाँ पे। सो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, सो बी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स, ये वैल्यू रूट एक्स है, तो इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे आप यहाँ से आर्क लेके, ये हमारे पास जीरो होगा। नाउ दिस इज ओ पॉइंट, जीरो वन टू थ्री एंड सोन, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है दिस इज रूट ऑफ 9.3 हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए इस वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन रहता है वो भी कर लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग, 1/√7, इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है किसको, डिनोमिनेटर्स को। फर्स्ट पार्ट करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट है हमारे पास 1/√7, लिखना क्या हमने, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्या करना होता है इसमें, अगर अकेला एक ही वैल्यू है हमारे पास इरेशनल नंबर्स की तो उसी को मल्टीप्लाई और उसी से हमने डिवाइड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैंसिल होकर वही चीज़ वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ऊपर 1/√7 से मल्टीप्लाई करोगे, रूट सेवन डिवाइडेड बाई वैल्यू कितनी हो गई, रूट सेवन इंटू रूट सेवन, मतलब हमारे पास क्या हो गया, नीचे रैशनल नंबर आ गया कि नहीं आ गया,
बस रैशनल ही बनाना हमने, मींस नीचे जो वैल्यू है उसको हमने रैशनल में कन्वर्ट करना, तो वो हमारा रैशनल में कन्वर्ट हो गया, बहुत ही आसान सा था। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 1/√7 - √6। इसको यहाँ पे माइनस है, तो जब भी हम चेंज करें, हमने रैशनलाइजेशन करना है डिनोमिनेटर का, तो हमने क्या करना है, वन अपॉन √7 - √6 किससे मल्टीप्लाई करें, साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए, यहां पे जो साइन माइनस का है तो प्लस का है तो माइनस का कर दें, उसी नंबर से मल्टीप्लाई एंड उसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए। इसका रीजन क्या होगा, a माइनस बी एंड a प्लस बी, आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b², तो यहां पे वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर √7 प्लस का √6 हो गया, नीचे a माइनस बी इंटू a प्लस बी मीन्स a² - b² √7 + √6, √7² - 7 माइनस √6² - 6, तो नीचे तो सिर्फ रैशनल नंबर ही बचा √7 + √6/1, 1 लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ेगा, तो नीचे हमारे पास क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया, यही हमने करना था। थर्ड पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, 1/, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, 1/√5 + √2 को मल्टीप्लाई करना हमने √5 - √2 से, साइन डिफरेंस कर देंगे, इसी से मल्टीप्लाई इसी से डिवाइड, क्या हो गया √5 - √2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स a² √5² माइनस √2² a² - b², यहाँ पे वैल्यू होगी √5 - √2, a² - b² मीन्स √5² 5 माइनस √2² 2, 5 - 2 कितना हो गया 3, √5 - √2/3, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, रैशनलाइज कर दिया हमने। लास्ट फोर्थ, 1/√7 - √2, फिर वही रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, क्या बनेगा, 1/√7 - √2 को √7 + √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, एंड √2 नहीं है, अकेला 2 है भाई, नहीं तो गलत हो जाता, √7 - 2 है, सो √7 - 2 से मल्टीप्लाई, +2 से मल्टीप्लाई, एंड √7 + 2 से ही डिवाइड, ऊपर वैल्यू तो √7 + 2 हो जाएगा, नीचे a² a - b into a + b √7² - b² 2² √7 + 2 a² - 7 -b² 2² कितना हो गया 4 हो गया, तो √7 + 2/7 -4 3 3 हमारे पास क्या आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया, तो हमने इसका क्या कर दिया, रैशनलाइजेशन कर दिया, बहुत ही आसान सा था, सभी क्वेश्चंस बहुत ही आसान थे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।